हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग है उनकी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सबसे पहले जो सबसे मेन पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, वो होता है ब्लड। लेकिन ब्लड को पंप करने के लिए हमें हार्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ह्यूमन बींग्स लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक जो ह्यूमन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हमारे सेल्स को रेगुलर सप्लाई चाहिए होता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करवाता है वो होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें हार्ट होता है, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, और जो ब्लड है वो एक कैरियर की तरह एक्ट करता है। कैरियर मीन्स कि वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा और वो डिफरेंट पार्ट्स तक वो लेके जाएगा। ठीक है, ये एक मैंने बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया है हार्ट का, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने एरो बनाया है, ये यहाँ से क्या होगा, लंग से जो ब्लड है वो यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से अंदर आया। अब जब ये पार्ट ब्लड से भर गया है तो हमारा ब्लड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ गया, ये जो इसको हम एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा से वो पूरी बॉडी में चले जाएगा और हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। फिर हमारे सेल्स क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को वो अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने में वो यूटिलाइज कर लेंगे, और जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड को वो वापस दे देते हैं। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कावा से आता है। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने बनाया है वेना कावा, वेना कावा से ब्लड अंदर आया, एक वेना कावा यहाँ है, एक वेना कावा यहाँ है, यहाँ से ऊपर वाला ब्लड आएगा, यहाँ से जो नीचे बॉडी पार्ट्स का जो ब्लड है वो आएगा हार्ट तक। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर यहाँ पे आया जहाँ, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में फिर ये ऐसा हार्ट पंप होगा, जैसे ये पंप होगा तो ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये लंग में चले जाएगा वापस से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और आपको तो पता ही है कि लंग्स का काम जो है वो गैसेस एक्सचेंज का है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ले लेगा और रिटर्न में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को दे देगा, तो हमारा जो ब्लड है वो वापस से कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, सेवरल मसल से बना हुआ है, जो कि ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में। हमारे जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड हार्ट है। देखो यहाँ पे हमको फोर चैम्बर्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4, इसलिए हम बोलते हैं कि फोर चैम्बर्ड है हमारा हार्ट, जिसमें दो एट्रिया होते हैं ऊपर की साइड और दो वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे की साइड। ठीक है, बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जो कि गिरा। ये जो सेप्टम है ये दोनों पार्ट्स को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ये जो वॉल्स दिख रहे हैं ना, ये जो वॉल है ये इसको बैक फ्लो नहीं होने देते, मतलब कि जो हार्ट जो ब्लड का डायरेक्शन है फ्लो का वो एक ही साइड रहेगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर हम उल्टे हो रहे हैं तो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी उल्टा हो गया। नो, जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो यहाँ पे जो वॉल्व है ये इसको बैक फ्लो नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को और जो भी सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको। ब्लड में प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है वो पेल कलर का लिक्विड होता है, जिसमें मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये जो है ब्लड का मैट्रिक्स बनाता है। अब यहाँ आते आरबीसी, जो कि मेन कंपोनेंट है।
आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स और टिश्यूज में। हीमोग्लोबिन जनरली जो ब्लड है उसको रेड कलर देने में हेल्प करता है। बोल सकते हैं हम कि जो ब्लड का रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट इसमें WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो पेल व्हाइट कलर के होते हैं जो हमको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इसोनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, ऐसे बहुत सारे WBCs होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। इसके बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है और एक्सेस लॉस को जो है उसको भी कम करता है इन केस ऑफ इंजरीज। जैसे हमको जब कुछ लग जाती है तो क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड निकलता है फिर वो अपने आप बंद हो जाता है। तो वो जो ब्लड निकलना बंद होता है ना उसको हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। हमारा जो ब्लड है वो वहीं की वहीं क्लॉट हो जाता है और एक ब्लॉकेज बना देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से लॉस ना हो। उसके बाद आती है आर्टरीज। आर्टरीज जो है वो कैरी करती है प्योर ब्लड को और वो पूरे बॉडी के पार्ट्स में जो है उसको ट्रांसपोर्ट करती है हार्ट से पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को। जो आर्टरीज होती है वो थिक वॉल्ड की होती है और उनके पास कोई भी वॉल्व नहीं होते हैं। जो वेन्स है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो सारी पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं वापस कहाँ, हार्ट में। ये जो होती है थिन वॉल्ड होती है और इनके पास वॉल्स होते हैं। कैपिलरीज जो है वो नैरो ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है ब्लड और सेल्स के बीच में, ठीक है। और जो ह्यूमन है उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और जो फिशेज होती है उनके पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इनके पास एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। बस यहाँ खत्म होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो है उनके पास वैस्कुलर सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिससे वो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज यहाँ 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है रूट से और उसको अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। जो जाइलम है उसमें ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइम और जाइलम टिश्यूज होते हैं। उसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो फूड को कैरी करता है लीव से और उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी पूरे प्लांट के पार्ट्स में। फ्लोएम जो है उसमें सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। जब किसी प्लांट से जो एक्सेस वाटर है उसका जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो इसका फंक्शन होता है वो क्या है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को और वाटर को और उसका अपवर्ड मूवमेंट करवाता है एक पूल क्रिएट करके। और जो ये जो वेसल्स होती है ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और ट्रांसपिरेशन भी हेल्प करता है। जो ट्रांसपोर्ट है फूड का लीव से दूसरे अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। यहाँ खत्म होता है हमारा पूरा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सक्रीशन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।